गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्रों ने मंगलवार को 3 सूत्रीय मांगों को लेकर कुलपति को ज्ञापन प्रेषित किया, जिसके संबंध में छात्र नेता मनीष ओझा ने बताया कि परास्नातक प्रथम सेमेस्टर में अनुत्तीर्ण छात्र छात्राओं को द्वितीय सेमेस्टर में प्रोन्नति करते हुए तृतीय सेमेस्टर में प्रवेश दिया जाए। उन्होंने कहा कि पीएचडी के छात्र छात्राओं को प्रोन्नति व पंजीकरण न होने पर 1500 से अधिक शोधार्थियों को अपना भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है। परास्नातक प्रथम सेमेस्टर में अनुत्तीर्ण छात्र छात्राओं को द्वितीय सेमेस्टर में प्रोन्नति करते हुए तृतीय सेमेस्टर में प्रवेश दिया जाए। प्रथम सेमेस्टर में अनुत्तीर्ण छात्र छात्राओं की परीक्षा तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा के साथ ही ले लिया जाए व पीएचडी के लगभग 1500 से अधिक शोधार्थियों को प्रोन्नति व पंजीकरण किया जाए। अगर हम लोगों की मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तो सभी छात्र आंदोलन को बाध्य होंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए छात्र नेता मनीष ओझा ने कहा, मनीष ओझा गोरखपुर विश्वविद्यालय छात्र नेता, आज हमारी 3 सूत्री मांग पत्र है, कुलपति महोदय को हम लोग देने आए हैं। हमारे छात्र भाई यहाँ मौजूद हैं। हमारी मांग है जो प्रथम परास्नातक के जो प्रथम सेमेस्टर के छात्र हैं वो जो अनुत्तीर्ण हुए हैं उनको द्वितीय सेमेस्टर में प्रमोट करते हुए तृतीय सेमेस्टर के साथ उनकी प्रथम सेमेस्टर में जिसमें अनुत्तीर्ण हुए उसकी परीक्षा कराई जाए, जो नियम कहता है। और विश्वविद्यालय कह रहा है कि नहीं, आपको प्रथम सेमेस्टर में पुनः पढ़ना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमारे छात्र छात्राओं में आक्रोश का माहौल है और घर वाले भी चिंतित हैं इस बात को लेकर के, क्योंकि उनका एक साल व्यर्थ हो जाएगा। और हमारी जो तीसरी मांग है, जो दूसरी मांग है, उसमें यह था कि तृतीय सेमेस्टर की जो परीक्षाएँ अगर होंगी तो उसको द्वितीय सेमेस्टर जो प्रथम सेमेस्टर में जो भी बच्चे अनुत्तीर्ण पाए जाते हैं उसके साथ उसकी परीक्षा कराई जाए, ताकि उनका साल ना खराब हो, उनकी ज़िंदगी बच जाए। क्योंकि कई छात्र ऐसे हैं जो पैसे से कमज़ोर हैं, जिनको आगे की अगर वो फेल हो जाते हैं तो आगे की पढ़ाई करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और हमारी जो तीसरी मांग है उसमें पीएचडी के जो छात्र हैं 1500 शोधार्थी, उनको ना तो अभी प्रोन्नत किया गया विश्वविद्यालय द्वारा और ना ही उनका भी पंजीकरण कराया गया। इसको देखते हुए आज हम लोग अपने छात्र भाइयों के साथ शोधार्थियों के साथ आए हैं यहाँ पे कुलपति जी से मुलाकात करने। अभी जब भी कि कुलपति जी आए नहीं है विश्वविद्यालय में, यहाँ कुल सचिव आए हैं। अगर कुलपति नहीं आते हैं तो हम लोग कुल सचिव को यह मांग पत्र सौंपा जाएगा। अगर हमारी मांग नहीं मानी जाएगी तो हम लोग आंदोलन करने को भी बाध्य होंगे।